विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। हाँ, लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर आत्मसात करते हुए उनका जवाब दे रहे हैं। आज का दिन बहुत अहम है मध्य प्रदेश के वासियों के लिए, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका स्वागत में जोर होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदित कीजिएगा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मस्तक पर मान लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देश के हर नागरिक को विश्व पटल पर विजय ध्वज लहराने हेतु हमेशा प्रेरित करते हैं और राष्ट्र ध्वज के नतमस्तक यही चिन्हित करते हैं कि तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ, तू उड़े तो रुक नहीं सकता हमारा विजय रथ, मुक्ति ही तेरी हमारे लक्ष्य का आलोक पथ। आंधियों से मिटा कब तूने अमिट जो चित्र आका, विजयिनी तेरी पताका, विजयिनी तेरी पताका। आज का ये दिन मध्य प्रदेश के विकास के प्रति हमारे अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। आज का ये दिन मध्य प्रदेश के लिए एक उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की ओर यात्रा का आरंभ प्रतीक है और इस समृद्ध यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हर व्यक्ति को स्वावलंबन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भरता हमारे देश को हमेशा प्रगति की राह पर अग्रसर करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अद्भुत सफलता देश के ललाट का विजय तिलक बनी है, जिसके तहत अनेकों भव्य सफलता के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सृजन भी हुआ है। हम कह सकते हैं कि बीना नदी के नाम पर ये क्षेत्र बीना, जहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसका मान सर्वोपरि है, आज हम सभी लोगों की आंखों में चमकता हुआ दिख रहा है और उस चमक को पूरी तरह से प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे शास्त्र हमेशा से कहते रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुख भाग् भवेत्। हम सभी लोग चाहते हैं कि इस धरा पर सुख हो, हम सभी चाहते हैं कि इस धरा पर सभी निरोग हो, सभी मिलजुल कर रहें, लेकिन इस शास्त्र को यथार्थ में परिवर्तित किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज आप मध्य प्रदेश की इस भूमि को प्रणाम करते हुए स्वयं हमारे बीच उपस्थित हैं, ताकि मध्य प्रदेश की इस धरती को लगभग 51,000 करोड़ के निवेश के उपहार दिए जा सकें। 49,000 करोड़ के निवेश से BPCL बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास होगा एवं 1800 करोड़ की 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। और ये शिलान्यास स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जाएगा। आप सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप सभी के बीच से होते हुए यहाँ मंच की ओर अग्रसर हैं। आपको हम बता दें कि ये जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उसका एक मॉडल, उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है
और माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात उस प्रदर्शनी की ओर अग्रसर होंगे एवं उस प्रदर्शनी का जायजा लेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए एक शुरुआत बहुत जरूरी होती है। कहा जाता है कि अगर मीलों मील का सफर तय करना है तो उसके लिए शुरुआत आज से ही की जाएगी। और दूरदर्शी वो व्यक्ति होता है जो अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले ही देख सकता है कि इसका अंत किस प्रकार है या किस प्रकार इसकी समृद्धता हमारे देश को और सशक्त कर रही है। ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्तित्व का नेतृत्व हमारे देश को मिला है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत न केवल हमारे देश में ही एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक नहीं बना, उसके साथ साथ विश्व पटल पर भी पूरी तरह से हम सभी लोगों की उपलब्धियां चमक रही हैं और ये उपलब्धियां हम सभी लोगों के सहयोग से हैं। कहा जाता है ना कि सहयोग में वो ताकत होती है जो नक्षत्र के योग को भी बदल देती है। और इस योग को बदलने हेतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एक बार पुनः करें और उनके आगमन को सत्कार दें, सम्मान दें। आपका बहुत बहुत स्वागत महोदय। आज आपके यहां आने से ये जो लगभग 51,000 करोड़ के निवेश की परियोजनाएं हैं, इसकी समृद्धि मध्य प्रदेश के हर घर तक पहुंचेगी और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारे देश के हर कोने को सशक्त करेगी। हम आपके आभारी हैं कि आज आपने इन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश की धरती से पूरे देश को समर्पित करने का ये निर्णय लिया और आपके इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 49,000 करोड़ के निवेश से BPCL बीना रिफाइनरी के परिसर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के तहत आप सभी को हम बता दें कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में लगभग 1,00,000 रोजगार का सृजन होगा और इस सृजनात्मकता की ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सभी लोगों के बीच यहां पर उपस्थित हैं। आत्मनिर्भर भारत का ये उद्देश्य जीवंत करने हेतु हम सभी लोग यहाँ एक दूसरे के साथ एकजुट हैं। आप सभी लोगों का उमंग एवं उत्साह इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि किस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक ऊर्जा हम सभी लोगों के बीच, हम सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है। आपका हम अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश की इस धरती में जहां हम सभी लोग संस्कृति और इतिहास को हमेशा से दृढ़ पाते हैं, सभी लोगों की रगों में दौड़ रही है, अब यहां आत्मनिर्भरता की दृढ़ता भी देखने को मिलेगी और उस दृढ़ता में सौंदर्य का कस्तूरी तिलक लगाने हेतु हमारे साथ उपस्थित है भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। खुली जीप में सवार सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस खुली जीप में माननीय प्रधानमंत्री जी के संग उपस्थित। आप सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा स्वागत करते हैं जो आपके और हमारे बीच एक ऐसी अटूट सूत्र को बांध देगा जो सूत्र सदा के लिए इस देश को आत्मनिर्भरता का गौरव देगा।
एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं और अब से कुछ ही क्षणों पश्चात जब आप यहां मंच पर उपस्थित होंगे तो मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी में पेट्रो केमिकल्स का जो कॉम्प्लेक्स है उसके औद्योगिक विकास से जुड़ी जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला रखेंगे। और साथ ही साथ बीना रिफाइनरी में जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ